ऐसे ऐसे निर्णय आते कि जहां 1 करोड़ देना है वहां 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है, फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं। So today petrol prices in India are perhaps the lowest. I normally like to choose my words carefully because when I look at honorable members, they will then come up. No, here is one. I used to say. मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ, अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा, फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजिशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जम्प्ट करो, और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर मिल रहा है तो कहां से बना पाएंगे? ऑनरेबल मेंबर आर सेइंग टुडे द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 100 इन सम प्लेसेस नॉन बीजेपी स्टेट, इन अदर्स इट इज 8-10 रुपीज चीपर। टुडे द इंपॉर्टेंट इश्यू इज एट अ टाइम व्हेन द ग्लोबल सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द जियोपॉलिटिक्स, इज फेसिंग अ मेनी अनसर्टेनिटीज। Let me give you the example of petrol prices. मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ, अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा, फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजिशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जम्प्ट करो, और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर मिल रहा है तो कहां से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ, और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए, तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस, आई एम ओपन फॉर दैट, एंड आफ्टर दैट बाय टेकिंग सजेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स वी विल फाइनलाइज द थिंग एंड वी विल कम टू द पार्लियामेंट। Now we have a situation where some of the states, I'm not calling them BJP states because there are one or two others which have also reduced their VAT. Some of them are charging VAT at the rate of 17 rupees. Other non-BJP states are charging at 32 rupees. So there is a differential. When the honorable member was saying today the cost of petrol is 100 in some places non-BJP states, in others it is 8-10 rupees cheaper. Today the important issue is, at a time when the global situation, I'm talking about the geopolitics, is facing a many uncertainties, let me give you the example of petrol prices. Petrol prices internationally went up by a large margin. They went up by percentages which are, sometimes 40% higher, 50%. In India, petrol price increased only 2% during that representative period between 21 and 22. Why? Because we reduced our excise. And we urged states also to reduce their VAT. Some did, some didn't. Now what has happened is that the ability to keep the price steady and allow the release increase of petrol only at 2%, while internationally it went up by a very large percent, was because the OMCs, as good corporate citizens, took a loss. State governments reducing their VAT. So today petrol prices in India are perhaps the lowest. I normally like to choose my words carefully because when I look at honorable members, they will then come up. No, here is one. I used to say the average price of crude of the Indian basket increased by 102%. It went up from $43.34 to $87.55 between November 2020 and November 22. You've seen, the honorable member would have seen, sir, what has happened in neighboring countries where for the love of money you could not get energy. In fact, we ourselves provided some assistance to them of
I think up to $4 billion or no. We therefore have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel, and the prices did not go beyond what. Ideally, we would like to have the prices come even lower. So in states, West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Jharkhand, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया. अरे आपको मैं आपको आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सजेस्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें, वैट कम कर दें, और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपको यू कैन देन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम सेलिब्रेशन. वैट ऐसे ऐसे निर्णय आते कि जहां 1 करोड़ देना है वहां 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है, फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हो. तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है. मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया, मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका अधिकार है. मैं इतना ही कहता हूं कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री. और ये सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू, आई हैव टू चेंज द लॉ आफ्टर पासिंग द बिल, एंड बिफोर दैट द स्टेक होल्डर्स आर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज देयर. आई कैनॉट टेक डिसीजन एज आई लाइक इट, आई नीड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द जुडिशियरी, फ्रॉम द हाई कोर्ट, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फ्रॉम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू मेक दैट लॉ, एंड दैट इज टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. It is already in the concurrent list, the state list where state is supposed to make the law, the central list, the central government is supposed to make the law, and the concurrent list, the both are the stakeholders, and this is in concurrent list, and that is the problem that we need to concern with all the stakeholders and find out the option on it. We are in the process. I will try my level best that to make it as early as possible to make it this law for the country. आपको भी शायद ये पता होगा, आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत, अलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई नहीं आता. मैं हमारी लैंड लो, और एमपी साहब आते इधर नहीं, इधर से लाओ, इधर से लेके जाओ. इसका मतलब यह है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है, चार गुना लोग खुश है. प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है. तो इंडस्ट्री एखादी खड़ी होती है, वो पावर मीटर लेता है, वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है. तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, अर्बन का अलग है, फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं, या इसी प्रकार के इशू है. तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज़्यादा है. और मैडम आपको बताओ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई. तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे. तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वो बोलते निर्णय कैसे करें. तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावनाओं को लेकर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे.